गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज योर लास्ट लेक्चर इन दिस चैप्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ करने वाले हैं, ओके। और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू द गिवन इक्वेशन। यहाँ पर आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ओके। एक मिनट, यहाँ पर आपको इक्वेशंस दिया हुआ है। क्या है वो इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। एक्स बाय टू माइनस वाई बाय थ्री माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब इज इक्वल टू वन। आप उसको क्या रखोगे, उसको स्लोप के फॉर्म में रखोगे, ठीक है। तो माइनस वाई बाय थ्री को सपोज ये यहीं रहने दीजिए, माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। माइनस वाई बाय थ्री को इधर लेके जाता हूँ तो प्लस वाई बाय थ्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स बाय टू माइनस वन। अब y इज इक्वल टू अगर मुझे लिखना है तो क्या करूंगा, मैं थ्री मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्स बाय टू माइनस वन, और y इज इक्वल टू थ्री बाय टू एक्स माइनस थ्री, ओके। थ्री बाय टू एक्स माइनस थ्री, तो यहाँ पर आपको स्लोप निकालना है, ओके। तो स्लोप ये जो है कौन से फॉर्म में आ गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया, जिसका मतलब m इज इक्वल टू क्या, 3/2, ओके। तो इसके लाइन के पैरेलल जो भी होगा उसका भी स्लोप क्या होगा, 3/2 ही होगा, ठीक है। क्योंकि एनीथिंग द लाइन और एनीथिंग पैरेलल टू दैट लाइन इज व्हाट, 3/2, उसका स्लोप जो है इक्वल होंगे, राइट। सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स माइनस। तो यहाँ पर भी वही करना है, माइनस वाई बाई टू को इधर लेके जाना है तो प्लस वाई बाई टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस थ्री, इसका मतलब वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस सिक्स, ओके। और यहाँ पर एम इज इक्वल टू क्या है, टू है, ठीक है, m इज इक्वल टू टू। आपको जो है वो लाइन का स्लोप बताना है जो ये लाइन से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है परपेंडिकुलर का फॉर्मूला m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या, माइनस वन। तो हमें m1 तो सोच लीजिए 2 मिल गया है, ओके। तो 2 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस वन। m2 जो है वो लाइन है जो परपेंडिकुलर है हमारी गिवन लाइन से। तो m2 अगर निकालना है तो इसका स्लोप कितना आएगा, माइनस वन बाय टू, ठीक है। समझ में आया उसका स्लोप कैसे जो है निकाला गया है, ओके। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, द लाइन थ्रू ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x-4y=5, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। तो ए और बी से, ठीक है, ये सोच लीजिए ए और बी है, दो पॉइंट है, इसमें से एक लाइन जा रहा है, अ लाइन थ्रू ए एंड बी। तो ए है -2,3 और बी है 4,b, ठीक है। इससे एक लाइन जा रहा है ए और बी से, ठीक है, और वही लाइन जो जा रहा है वो हमारे लाइन से क्या है, परपेंडिकुलर है, और जो हमारा लाइन है वो क्या है, 2x-4y=5। तो इसका मतलब क्या है, -4y को मैं अगर इधर लेके जाता हूँ तो 4y हो जाएगा, +4y, और 5 को इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2x-5, और y इज इक्वल टू क्या होगा, 2x-5/4, और y इज इक्वल टू 2/4x-5/4, इसका मतलब m इज इक्वल टू क्या होगा, 2/4, दैट इज 1/2, ठीक है, m इज इक्वल टू 1/2। ये तो हमारा स्लोप है गिवन लाइन का, ठीक है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। और परपेंडिकुलर लाइन का आपको पता होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन का क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन का m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होगा, -1, जिसमें m2 हम लोग निकाल सकते हैं, m1 तो पता है हमें, 1/2 m2 इज इक्वल टू -1। तो m2 इज इक्वल टू क्या होगा, -1 इंटू 2, तो m2 इज इक्वल टू -2। तो ये है आपका क्या, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, ये है आपका स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, m2 इज इक्वल टू -2, ओके, m2 इज इक्वल टू -2। तो अगर हमें ये परपेंडिकुलर लाइन का मिल गया तो वही लाइन, ये लाइन का हमें स्लोप मिल चुका है, ये लाइन का स्लोप कितना है, -2 है,
और यहाँ पर हमें ए और बी दिया हुआ है, दो पॉइंट है, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे क्या, टू पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। टू पॉइंट स्लोप फॉर्मूला जिसमें हमें स्लोप निकालना होता है, लेकिन स्लोप तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं क्या है, -2 है, तो बस हम लोग का पहला स्टेप क्या है स्लोप निकालने का, दैट इज y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, वही तो हमें स्लोप देता है, और स्लोप ऑलरेडी हम लोग को पता है दैट इज -2, तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 करोगे तो आपका कितना आएगा, y2 है b, b -3 बाय x2 कितना है 4, 4 माइनस ऑफ -2 इज इक्वल टू आपका स्लोप आएगा, और स्लोप है -2, बी -3 बाय 4 माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा, 4 + 2 दैट इज 6 इज इक्वल टू -2, और बी -3 इज इक्वल टू 6 × -2 इज -12, और बी इज इक्वल टू -12 + 3 दैट इज इक्वल टू क्या, -9, ठीक है, तो बी इज इक्वल टू आपका -9 आएगा। तो यही आपको पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, तो बी का वैल्यू क्या होगा, -9। समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट ए ए कॉमा 3, बी 2,1 एंड सी 5,a आर कोलिनियर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हुआ था जब कोलिनियर होता है, कोलिनियर में आपका स्लोप ऑफ ए बी जो है इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप ऑफ बी सी, तब हम बोल सकते हैं कि क्या है हमारा पॉइंट कोलिनियर है। ठीक है, हमारा पॉइंट कोलिनियर है बोल के हम बोल सकते हैं। तो कैसे हम लोग ए बी का स्लोप निकालेंगे, पहले ए बी का स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, तो 1 - 3, और x2 माइनस x1 मतलब क्या होगा, 2 - 1। ठीक है, ये है स्लोप ऑफ ए बी, और स्लोप ऑफ बी सी के समान होना चाहिए, बी सी क्या होगा, y2 माइनस y1 दैट इज a माइनस 1 बाय 5 - 2, होगा कि नहीं। स्लोप ऑफ ए बी माइनस स्लोप इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो 1 - 3 कितना होगा, 1 - 3 कितना होगा, -2। 2 - a कितना होगा, 2 - a ही रहेगा, इज इक्वल टू ए माइनस 1 कितना रहेगा, वही रहेगा। और 5 - 2 कितना होगा, 3। आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, -2 × 3 इज -6 इज इक्वल टू ए माइनस 1 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा किस में, 2 - a में। ठीक है, तो -6 इज इक्वल टू ए इंटू 2 इज 2 ए इंटू -a इज -a² -1 × 2 इज -2 एंड -1 × -a इज +a। समझ में आया, 2a + a कितना हो जाएगा, 3a। राइट, और -a² ही है ही। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका -a² है +3a, और ये -2 है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -6 इधर आ जाएगा तो +6 हो जाएगा। ठीक है, और -2 + 6 कितना होगा, +4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब साइन चेंज करेंगे तो a² - 3a - 4 इज इक्वल टू 0। सही है, सही है ना, तो a² - 3a - 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a का वैल्यू 2-2 आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको जो है स्प्लिट द मिडिल टर्म करना है, 3a - 3a को कैसे करोगे आप, -4a + a। -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a कॉमन गया तो क्या होगा, a - 4, और +1 कॉमन गया यहाँ पर तो a - 4। इसका मतलब a इज इक्वल टू एक -1 होगा और एक a इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो अब a इज इक्वल टू -1 और a इज इक्वल टू 4, तो आपके दो आपको निकालना है क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन। आपने a तो निकाल लिया, अब ये a का वैल्यू मुझे यहाँ पुट करना है। ठीक है, ए का वैल्यू मुझे आप यहाँ पर पुट करना है, और यू नीड टू गेट इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे मिलेगा, यहाँ पर अगर मैं पुट किया आप, ठीक है, तो देखिए 1 - 3 / 2 - a, a की जगह क्या पुट करूंगा मैं,
-1 ओके, और एक बार जो है पुट करूंगा क्या 4 ओके, 1 -3 बाय 2 माइनस, ए की जगह क्या पुट करूंगा 4 ओके, एक बार -1 पुट करूंगा, एक बार 4 पुट करूंगा, ठीक है। तो अगर -1 पुट किया तो स्लोप कितना आएगा, 1 -3 इज -2 बाय 2 माइनस ऑफ -1 दैट इज 2 + 1 दैट इज क्या 3, और 1 - 3 कितना होगा, ये भी -2, और 2 - 4 कितना -2, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो आपका दो वैल्यू पुट करने से आपके दो स्लोप आ रहे हैं, एक तो ये है ठीक है स्लोप 1 और ये है स्लोप 2। आप किसी में भी डाल सकते हो, आप ये वाला चीज मैंने इसमें डाला है, आप इसमें भी डाल के देखो समान नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का स्लोप क्या होता है इक्वल होता है। तो आप AB का में डालो या BC का। तो अभी हम लोग को दो स्लोप मिल चुका है, अब दो स्लोप मिल गया, हमें क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालोगे, आपके पास स्लोप है, आपके पास x1 y1 है, तो कौन सा फॉर्मूला डालोगे, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला ओके राइट। स्लोप जो नहीं होता एक पॉइंट, हाँ एक पॉइंट दिया होता है और स्लोप, आप पॉइंट स्लोप फॉर्मूला डाल सकते हो क्योंकि स्लोप तो आपको पता है। तो क्या है फॉर्मूला, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1 ठीक है। ये अगर मैं ऐसे कर दूं तो y - y1 की जगह क्या लगाऊंगा मैं, सोच लीजिए, ये ले लीजिए ठीक है राइट। तो ए आपका कितना है, ए आपका कितना है -1 है और 4 है ओके। तो अगर मैं ए जो है 1 ले रहा हूँ ठीक है, तो ये y + 1 हो जाएगा है ना। अगर मैं आपका यहाँ पर a - 1 डाल रहा हूँ, a - 1 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, -(-) हो जाएगा ओके। तो नहीं, y1 की जगह डालना है, ए तो आपका x1 की जगह है, y1 की जगह डाला तो क्या डालूंगा मैं 3 इज इक्वल टू m कितना डालूंगा मैं, m एक बार जो है मैं डालूंगा क्या -2/3, और -2/3 डालने के लिए x का a कितना होगा -1 ओके राइट। तो y - 3 इज इक्वल टू -2/3, x - 1 कितना हो जाएगा x x+1 ठीक है। ये 3 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3y - 9 इज इक्वल टू -2x - 2, समझ में आया हाँ। अब -2 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा 3y + 2x, -2 में इसमें +9 इधर ले जाओ ठीक है। तो -2 + 9 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 7, ये हो गया मेरा एक इक्वेशन, दो इक्वेशन निकलेगा ठीक है, क्योंकि दो दो आपके ए के वैल्यूज हैं, दो दो स्लोप हैं, तो आपके दो दो इक्वेशंस निकलेंगे। ये तो मेरा एक जो है इक्वेशन निकला, दैट इज इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 कैसे निकलेगा, हाँ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 कैसे निकलेगा, इक्वेशन 2 के लिए वही फॉर्मूला डालना है आपको, y - y1 इज इक्वल टू x x - x1 ठीक है। तो यहाँ पर y - y1 की जगह क्या होगा, वही 3 रहेगा इज इक्वल टू सॉरी m होगा ठीक है। यहाँ पर m आपको क्या डालना है 1 डालना है ठीक है, और x - x1 की जगह आपने a तो -1 डाल दिया, आप क्या डालूंगा मैं 4 डालूंगा ठीक है। तो x - 4, तो y - 3 इज इक्वल टू x - 4। अब x इधर आ गया तो क्या हो जाएगा y - x, और -3 इधर गया तो -4 + 3 कितना, -4 + 3 कितना -1। तो एक काम करिए x इज इक्वल टू आप लिख सकते हो y + 1, x इज इक्वल टू y + 1, या फिर x - y इज इक्वल टू 1 वैसे भी लिख सकते हो ठीक है। x इधर ले जाओ ओके, +1 इधर आ गया, या फिर x इज इक्वल टू y + 1, या फिर y को इधर ले आओ तो x - y इज इक्वल टू 1, x - y इज इक्वल टू 1। तो ये आपके दो इक्वेशन निकले, ये आपका एक इक्वेशन और ये। तो आपको पता है अब दो दो स्लोप निकलेंगे तो कैसे आपको करना है ठीक है, आपको एक स्लोप लेके नहीं करना है ओके, दोनों स्लोप लेके दिखाना है। और वैसे ही यूनिट के लिए मार्क्स कटते हैं आपके ठीक है, तो इसके लिए तो पूरा ही कट जाएगा ओके, हाँ पूरा ही मार्क्स कट जाएगा ओके। तो ध्यान से ओके।
छोटे छोटे चीज भी देखा जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x + 4y - 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपका इक्वेशन ऑफ लाइन दे दिया है। ठीक है, क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन, 3x + 4y - 7 इज इक्वल टू 0। पहला चीज है स्लोप, स्लोप कैसे निकालेंगे हम, y के टर्म में लिख के। ठीक है, y इज इक्वल टू mx + c के टर्म में लिखोगे तो हो जाएगा। तो ये 4y इसको यहीं रहने देता है, -7 को इधर लेके जाएंगे तो 7 हो जाएगा, और 3x को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3x। ठीक है, अब y इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, 7 - 3x / 4। इसका मतलब y इज इक्वल टू 7/4 - 3x/4, राइट। और ये mx + c के फॉर्म में रहता है, तो m के जगह क्या है, यहाँ m के जगह क्या है, -3/4। ठीक है, तो m इज इक्वल टू यहाँ पर आपका स्लोप आ गया, दैट इज -3/4। ठीक है, तो ये आपका मिल गया। अब सेकंड है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x - y + 2 = 0 एंड 3x + y - 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वही है, इंटरसेक्शन आ गया, ये दो आपको लाइन दिए हुए हैं, तो आपको ये दो लाइन जो है वैसे ही लिख देना है और वहां से एक्स और वाई निकालना है आपको। ठीक है, 3x + y - 10 इज इक्वल टू 0। ओके, आपको क्या करना है यहाँ पर, इंटू मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई इंटू 3 करोगे तो 3 × x क्या हो जाएगा, 3x, 3 × y क्या हो जाएगा, -3y, और 3 × + 2 कितना हो जाएगा, +6। तो इधर जाने से क्या हो जाएगा, -6, और -10 इधर गया तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू +10। ठीक है, ये दोनों को लीजिएगा और ये 3x 3x काट दीजिएगा। ओके, माइनस इंटू माइनस आपका क्या हो जाएगा, +y + 3y, 4y इज इक्वल टू 10, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, +10 + 6, तो y इज इक्वल टू 4। अगर y इक्वल टू 4 है तो यहाँ पर y के वैल्यू में डाल दीजिए, 4 डाल दीजिए, मतलब x - 4 + 2 इज इक्वल टू 0। -4 + 2 कितना होगा, x - 2 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू कितना, 2, x इज इक्वल टू 2। तो आपका x 2 आया और y कितना आया, 4 आया। ठीक है, तो आपको ये इंटरसेक्शन मिल गए, ये दोनों के इंटरसेक्शन मिल गए, x, y। कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे ये लाइन, 4, 2 में, सॉरी 2, 4 में। ओके, 2, 4 में इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये तो आपने जान लिया। अब क्या बोला है, देखिए आपको ये लाइन का इक्वेशन निकालना है जो हमारी गिवन लाइन, हमारा गिवन लाइन क्या है, ये है, इससे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो पहले आप परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालिए, इसका तो हमने स्लोप निकाल लिया, ये लाइन का स्लोप क्या है, -3/4, तो उसका परपेंडिकुलर क्या करोगे, इंटू m2 इज इक्वल टू क्या, -1 करते होगे नहीं, m1 × m2 इज इक्वल टू -1, जब लाइन परपेंडिकुलर होता है तो वहां से m2 मिल जाएगा, m2 कितना होगा बताना, -1 × 4/-3 होगा ना, हाँ, -1 × 4/-3। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कट गया तो क्या हुआ, 4/3। ठीक है, तो आपको ये परपेंडिकुलर लाइन का क्या पता चल गया, स्लोप पता चल गया। ठीक है, राइट, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप पता चल गया। आपको उसी का लाइन का जो है इक्वेशन निकालना है, परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन। अब ये जो है पॉइंट आपने निकाल लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो क्या है आपका, x1, y1, हुआ ये नहीं, हाँ, आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब एक पॉइंट आपको मिल गया, दैट इज x, y, दैट इज क्या, 2, 4। तो उसको हम लोग सोच लीजिए, x1, y1 लिए, दैट इज 2, 4, और आपको स्लोप पता है, स्लोप भी पता है, तो आप अभी इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो, क्या फॉर्मूला लगा के, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगा के। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला क्या है, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, y - y1 कितना है, 4, इज इक्वल टू m आपका कितना आया, 4/3, x - x1 कितना है आपका, 2। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पर गया तो क्या हो जाएगा, 3y - 12 इंटू हो जाएगा, 3y
फोर इंटू थ्री 12 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स 4x माइनस 4 इंटू टू कितना 8। ओके तो एक काम करते हैं, 4x को यहीं रहने देते हैं, 3y को इधर ले जाते हैं, तो -3y हो जाएगा, -12 को इधर लेके गए तो +12, -8 +12 +4 इज इक्वल टू 0। ये है आपका इक्वेशन, 4x -3y +4 इज इक्वल टू 0। हाँ सब लोग लिख रहे हो। ओके तो ध्यान दीजिएगा, सारा क्वेश्चंस जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है, और हमेशा से 4 मार्क के क्वेश्चंस में आते हैं। ओके 4 मार्क 5 मार्क का क्वेश्चन में आता है, इक्वेशन ऑफ लाइन का जो भी क्वेश्चन आता है, तो सोच समझ के करना है, बस फॉर्मूला डालना है और आंसर लाना है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ फॉर्मूला। क्वेश्चन को पहले समझो क्या पूछा है, जैसे यहाँ पर बोला है इंटरसेक्शन, मतलब आपको यहाँ पर एक्स और वाई निकालना है, फिर एक्स और वाई निकालने से आपको पहला पॉइंट मिल गया, फिर आपको ये गिवन लाइन दिया हुआ है, इसके हिसाब से स्लोप निकाल लीजिएगा, फिर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल लीजिएगा, और ये जो स्लोप आपने निकाला है परपेंडिकुलर लाइन का, वो सब्सिट्यूट कर दीजिएगा क्या ये पॉइंट में, इन व्हाट पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। ओके तो सिस्टमेटिकली अगर आप करोगे तो सब समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, तो हम एबीसीडी एक बनाएंगे, ठीक है, पैरेललोग्राम ये सोच लो हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है, ए जो है आपका कितना है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, बी आपका कितना है 5,8, सी आपका कितना है 4,7 और डी आपका कितना है 2,-4, ठीक है, तो ये जो है डी को किसके साथ मिला दो आप, बी के साथ, और ए को किसके साथ मिला दो आप, सी के साथ। आपको पता है पैरेललोग्राम्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये डायगोनल जो है आपका ए सी, ठीक है, सोच लीजिए पॉइंट है ओ, ठीक है, तो हमेशा से ए ओ विल बी इक्वल टू क्या ओ सी, ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो ओ डी विल बी ऑलवेज इक्वल टू बी ओ, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, ये ओ पॉइंट निकाल लीजिएगा, ठीक है, ओ पॉइंट हम निकाल सकते हैं कैसे, ये वाला अगर डायगनल लिए, बीडी डायगनल लिए, तो ये ओ मेरा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, है ना, तो विद मिड पॉइंट फॉर्मूला हम ओ निकाल सकते हैं, बी में ये जो है बी पॉइंट क्या है आपका 5,8 और डी पॉइंट क्या है आपका 2,-4, ठीक है, इसमें हम लोग लगाएंगे क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, एंड विल गेट ओ, ठीक है, तो 5 + 2 इज 7/2, 8 - 4, 8 - 4 इज 4, 4/2, तो ये आपका ओ का पॉइंट मिल गया, ठीक है, ओ कितना होगा 3.5 और 4,2, 4/2 कितना 2, आपको ये ओ पॉइंट मिल गया, दैट इज 3.5, ठीक है, 3.5,2, समझ में आया आपको, अब ये ओ पॉइंट मिल गया है, मिड पॉइंट मिल गया है, आपको सी पता है, तो ए निकाल सकते हो, फिर से वही मिड पॉइंट फॉर्मूला डालोगे, एक्स प्लस 4, ठीक है, एक्स प्लस 4/2 करके आपको किसका मिलता है 3.5 मिलेगा, एक्स वन का जो है कोऑर्डिनेट आपको मिलता है, और वाई प्लस 7/2 करोगे, ठीक है, वाई प्लस 7/2 करोगे तो आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा 2 मिलेगा, वही करते आ रहे हो आप, ठीक है, तो 2 यहां पर चला गया तो 3.5 * 2 कितना हो जाएगा 7, तो एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 7 और वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 4। ओके तो वहां से एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 3 और वाई इज इक्वल टू कितना होगा 4 - 7 कितना -3, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 3 और वाई इज इक्वल टू -3। ओके तो आपका ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो आपको मिल गया, दैट इज 3,-3। अब इक्वेशन ऑफ डायगोनल बीडी निकालना है, आप इक्वेशन ऑफ डायगोनल बीडी निकाल सकते हो, ठीक है, बीडी डायगोनल का जो है आपको इक्वेशन निकाल निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, यहाँ पर बीडी में आपको बी भी पता है और डी भी पता है, मतलब आपको क्या पॉइंट दिया हुआ है 2 पॉइंट दिया हुआ है, दोनों पॉइंट दिया हुआ है, तो पहले काम क्या है, 2 पॉइंट देने के बाद 2 पॉइंट देता है तो आपको पहला काम क्या करना होता है, स्लोप निकालना होता है, ठीक है, स्लोप निकालो y2 - y1/x2 - x1, ठीक है, तो y2 - y1 बी डी बोला है, ठीक है, तो बी से शुरुआत करोगे, ठीक है, बी डी मतलब y2 मेरा कितना होगा -4 - 4 - 8 कितना
बाय एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब टू माइनस ऑफ फाइव, ठीक है, टू माइनस फाइव, तो ये कितना होगा मेरे को बताना, माइनस 12 बाय माइनस 3, तो कितना हो गया 4, ठीक है, तो स्लोप आपका 4 आ गया। अब डायरेक्टली आप क्या करोगे, फॉर्मूला डाल दोगे, क्या है फॉर्मूला, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, बी से शुरुआत हो रहा है तो एक्स वन कॉमा वाई वन क्या होगा मेरा, बी का कोऑर्डिनेट होगा। ओके, तो वाई माइनस वाई वन, वाई वन कितना होगा 8 इजिकल टू एम कितना है 4, एक्स माइनस एक्स वन कितना होगा 5। ओके, तो वाई माइनस 8 इजिकल टू 4 इंटू एक्स, 4x, 4 इंटू माइनस 5 इज माइनस 20। ओके, तो 4x माइनस वाई माइनस 20 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 12 इजिकल टू 0, या 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, ठीक है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू, समझ रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकला। तो आपको यहाँ पर जो है अच्छा क्वेश्चन था वो, ओके, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो ध्यान देना है, आपके में भी आ सकते हैं, ये कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, वो ऑलरेडी आ चुका है, बोर्ड क्वेश्चंस ही हैं। ओके, तो आपको जो है ध्यान से करना है ये चैप्टर। ओके, नेक्स्ट ये वाला क्या है, द स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है, द स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग पी एंड Q, ओके, P आपको दिया हुआ है, P क्या है 6, K, ठीक है, P इज इक्वल टू 6, K, और Q इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस 3 K, 3, और इसका स्लोप आपको दे दिया है PQ, ठीक है, स्लोप ऑफ PQ क्या है 1/2, फाइंड K, K निकाल सकते हो आप, हाँ, आपको स्लोप दे दिया है, आपको P और Q दे दिया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर आपको क्या करना है के निकालने के लिए, ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला डाल दो। ओके, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, वाई टू माइनस वाई वन मतलब 3 माइनस K बाय 1 माइनस 3 K, एक्स टू है माइनस एक्स वन कितना 6 इजिकल टू कितना है दिया हुआ है 1/2, मतलब ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इजिक्वल टू, ये तो वैसा ही रहेगा 1 माइनस 3 K माइनस 6, तो 2 × 3 = 6, 2 × −2 K = −2 K इजिक्वल टू 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा -5 −3 K, -5 इधर आया तो क्या हो जाएगा 11 होगा ना, -5 इधर आने से 11 हो जाएगा, और -2 K इधर गया तो +2 K, -3 K +2 K -K, और K इजिकल टू कितना -11, ठीक है, तो K आपका कितना आया -11। दूसरा क्या बोल रहा है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ठीक है, पी क्यू का आपको मिड पॉइंट निकालना है यूजिंग द वैल्यू ऑफ K फाउंड इन 1, ठीक है, तो K का वैल्यू कितना है आपका -11 है, मतलब P का कोऑर्डिनेट अब चेंज हो गया, ठीक है, 6, K था तो वो क्या हो जाएगा 6, -11 है ना, और Q का भी जो है कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस 3 K, K का वैल्यू क्या है -11, -3 × −11 33, और 1 माइनस 33 −32, 3, ये होगा Q का वैल्यू, समझ में आया, K का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया मैंने P में और Q में, ठीक है, तो P और Q का आ गया, तो आप मिड पॉइंट निकाल सकते हो, मिड पॉइंट क्या होगा, ये आपका जो है x1, y1 ले लीजिए, और ये जो है आप ले लीजिए क्या x2, y2, तो मिड पॉइंट ऑफ PQ आपको निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ PQ क्या होगा x1 + x2/2, y1 + y2/2, ओके, राइट। तो नेक्स्ट जो है ये -32 नहीं है, 1 माइनस 3 K, -11 ओके, तो 1 प्लस हो जाएगा कितना 33, ओके, तो ये -32 नहीं है, वो क्या हो जाएगा 34, ओके, तो 34, 3, तो ये कितना हो जाएगा मेरे को बताओ, x1 + x2 मतलब 6 + 34/2, और एक क्या हो जाएगा -11 + 3/2, तो 6 + 34 = 40/2, 40/2 इज व्हाट
और माइनस 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -8, -8/2 -4, ठीक है। तो ये होगा आपका मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, दैट इज 20, -4। समझ में आया आपको, हाँ, मिड पॉइंट कैसे निकालना है और के कैसे निकालना है। तो दैट वाज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर्स, और भी हम लोग करेंगे रिवीजन टाइम में, ठीक है। लास्ट 20 ईयर्स का पूरा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग करके जाएंगे, ओके, ताकि कोई भी क्वेश्चंस आप को दिक्कत ना हो, ओके। तो फॉर दैट बाय दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर, ओके, एंड विल अगेन कम विथ अ न्यू चैप्टर, दैट इज स्टैटिस्टिक्स, ओके। स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन पहले कंप्लीट करेंगे, फिर ज्योमेट्री में आएंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच।